हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने प्यार में पागल करना चाहते हैं, जो लड़के ऐसे हैं जो अपनी जीएफ को अपनी यादों में ही रखना चाहते हैं। तो मैं आपको तीन ऐसे सवाल बताऊंगा, अगर तीन सवाल आपने अपनी गर्लफ्रेंड को पूछ लिए तो वो आपके प्यार में पागल हो जाएगी, वो आपकी यादों में ही रहेगी। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहला उसमें होगा आपका प्यार आप खुद बढ़ा पाओगे। नंबर दो पे होगा उल्टे फुलटे सवाल पूछकर जो इरिटेट करते हो वो अब नहीं करोगे, क्योंकि मैं सही तीन सवाल आपको बताने वाला हूँ। और नंबर तीन पे जीएफ की नज़रों में आपकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो नंबर तीन पे जो सवाल है वो है, जब भी तुम मेरे बारे में सोचती हो तो तुम्हारे दिमाग में कौन सा गाना आता है? ये सवाल दोस्तों कॉमन लगेगा आपको, या तो फिर ऐसा लगेगा इसका क्या मतलब है। तो मैं आपको बताता हूँ इससे क्या होगा, ऐसा क्यों। आपको पता चलेगा कि जो गाना है, जो गाना वो अपने अंदर गुनगुनाती रहती है आपके लिए, वही गाना आपकी फीलिंग्स हो सकती है, वही गाना आपके प्रति जो भावना है वो उसके अंदर की है। गाने से ही आप खुद समझ जाओगे कि आपका रिश्ता क्या है, आपका रिश्ता कहाँ तक वो लेना चाहती है या तो फिर कहाँ तक वो जाएगी। जैसे कि चलिए एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। अगर आपने पूछा कि जब भी तुम मेरे बारे में सोचती हो तो कौन सा गाना तुम्हें याद आता है, कौन सा गाना आप गाना चाहती हो, तो वो कहती है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, मुश्किल पड़ जाए, तो तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। अगर ये गीत है तो इससे क्या मीनिंग निकलेगा कि जब भी मैं मुश्किल में हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें याद करना चाहूँगी, तुम मुझे साथ दो, ऐसी मेरी अंदर फीलिंग्स है। यानी कि ये रिश्ता लंबा जाएगा, जन्मों जन्म तक जाएगा, क्योंकि वो साथ छोड़ना नहीं चाहते। जो इंसान मुश्किल में अपने आप को याद करेगा वही इंसान अपने साथ रहना चाहता है। तो ऐसे गीत से और भी कोई गीत आपको वो बोल सकती है, तो ऐसे उसके लिरिक्स से आप मतलब समझ जाएंगे और यही अप्रोक्स फीलिंग्स होती है आपके लिए उनके अंदर। तो आप फीलिंग्स को समझ पाओगे इस सवाल को पूछकर। नंबर दो पे जो सवाल है वो है, तुम्हें मुझमें मेरी कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? ये सवाल पूछना थोड़ी डेयरिंग वाली बात है, क्योंकि हर किसी के अंदर अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन जो सामने वाला है उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल कौन सी है, ऑब्जर्वेशन करने की जो क्षमता है वो कैसी है, वो आपको पता चल जाएगा इस सवाल से। इस सवाल का मतलब क्या है, पूछने से क्या होगा, आपको अपना खुद का पता चलेगा कि आप खुद क्या है, क्या करते हैं, कभी आप में कोई अच्छाई है भी या नहीं, अपनी वैल्यू बढ़ेगी, आप लोगों के साथ क्या अच्छा या बुरा कर रहे हो उसका पता चलेगा, आपको एक आईना मिलेगा। एग्जांपल समझ लो कि वो सामने वाली लड़की वो जवाब में ऐसा कहती है कि लोगों को आप हेल्प करते वो मुझे पसंद आता है, तो उसका मीनिंग क्या निकलता है कि सामने वाले की जो ऑब्जर्वेशन है आप में अच्छाई देखने की वो तो है ही, लेकिन आप भी खुद अच्छे हैं, आप में भी कुछ अच्छाई है, आपको भी लगेगा नहीं मैं लोगों की मदद करता हूँ तो कोई नोटिस कर रहा है, मेरे अच्छे काम की किसी को वैल्यू है। तो ये सवाल पूछने से भी काफ़ी अच्छा आपको एक फील मिलेगा, काफ़ी अच्छा आपको खुद को महसूस होगा कि नहीं मैं अच्छा हूँ। नंबर वन पे जो सवाल है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी लिमिट भी आपको समझनी होगी। जब हमने पहली बार किस किया था तो तुम्हें कैसा लगा था? अब यहाँ पे एक बात मैं वॉर्न कर लूँ आपको कि अगर आपने कभी भी किस किया हो या तो फिर आपका जीवन अभी अभी शुरू नहीं हुआ है, कब से पुराना है, तो ही ये सवाल आप पूछ सकते हो। अगर बिगिनर है, आपने अभी अभी संबंध को स्टार्ट किया है, तो ऐसे सवाल पूछकर आप उसको उलझन में डाल देंगे। आपने कभी भी किस किया हो तो ये ऐसा सवाल पूछना मैं रेकमेंड करूँगा, ये सवाल पूछिए। इससे क्या होगा, रोमांटिक जीवन का आपका पता चलेगा, आपने हवस में तो कुछ नहीं किया था उस वक्त, इसका भी पता चलेगा। और इसका पता लगाना बहुत ही खास है, क्योंकि कई बार हम ऐसे मूड में इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि कुछ भी कर बैठते हैं सामने वाले के साथ। अगर ऐसा नहीं किया होगा तो सामने वाले के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी फीलिंग्स आएगी और वो थोड़ा शर्मा जाएगी और वो कहेगी बहुत ही मज़ा आया था, यादें ताज़ा होगी, पूरा माहौल जब किस करने वक्त बना था तब पूरा बनेगा। आपने किया हो तो ही पूछना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसे सवालों से फीलिंग्स तरोताज़ा होती है, फिर से किस होने की भी संभावना है। आपका प्यार, आपका रोमांस कैसा है, उसका पूरा लेखा जोखा आपके सामने आएगा। एक एग्जांपल दे देता हूँ, पहली बार समझ लो कि आपने कोई कार में किस किया हो, जैसे कि तब कुछ चीज़ें ऐसी मजाक भी बनी हो कि आप किस करने गए हो एक दो बार और कुछ कोई सामने से गाड़ी आई हो, लाइट दिखी हो, आप छुप गए हो नीचे, या तो फिर कुछ अलग बातें हुई हो, तो ये सारी बातें मजाक भी
आपकी बातें जो है वो खुशी की बातें शेयर होंगी, और गाड़ी में कंफर्ट थी या नहीं, गाड़ी में कैसा रहा माहौल, वो भी पूरी बातें याद आएगी आपको, और जो किस की फीलिंग है वो फिर से दोनों में उठेगी। तो दोस्तों ये थे 3 सवाल जिसको पूछने से आपका रोमांटिक जीवन तरोताज़ा होगा, सामने वाला जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है वो आपकी याद में फिर से तरोताज़ा होगी, आपके यादों में बनी रहेगी, आपके प्यार में पागल होएगी। चलिए वीडियो के एंडिंग में अप्रिसिएटिंग कमेंट्स स्पीक कर लेते हैं। मैंने एक वीडियो डाला था सबसे बुरे लड़के की सबसे बड़ी पहचान, उसमें सरस्वती वसावा ने राइट करके और रोशनी साहू ने हाँ सर सही कहा आपने ऐसा करके कमेंट्स किए हैं, दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड्स, वीडियो को देख रहे सारे GFBF नाजा मजनू लैला, जो भी हो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं पढ़ना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।